और लॉकडाउन की वजह से यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब जगह जगह से यमुना के पानी का सैंपल इकट्ठा कर रहा है ताकि ये आकलन किया जा सके कि यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर किस हद तक कम हुआ है। लॉकडाउन को लेकर के जहां पूरा देश परेशान है कि लॉकडाउन की स्थिति कब खत्म होगी, कोरोना से निजात कब तक मिलेगा, वहीं इन तमाम हालातों के बीच में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मसलन इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के यमुना के एक घाट पर। खबर ये है कि यमुना का पानी, जिसे हमेशा से सबसे ज़्यादा गंदा कहा जाता रहा और कहा जाता है कि यमुना का पानी पीना तो दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है और अपने साधारण इस्तेमाल में भी आप नहीं ला पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूटेड रहता है यमुना का पानी। इस वक्त मैं ITO के घाट पर मौजूद हूँ और ये जो यमुना का बहता हुआ पानी आप देख रहे हैं, इसमें खासा बदलाव ऑब्जर्व किया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बीते, क्योंकि 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, यमुना का पानी जो है, जो बह रहा है लगातार, उसमें परिवर्तन देखा गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है, बाकी तमाम चीज़ें क्योंकि इसमें नहीं मिल रही हैं, लिहाजा जो यमुना लगातार मैली हो रही थी उसमें कुछ सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही एक स्टाफ है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं, पानी लेकर के आए हैं बॉटल्स वगैरह में, आपको क्या कहा गया है इसका करने के लिए? सैंपल ले रहे हैं। और भी जगहों से सैंपल लिया आपने? पानी साफ लग रहा है आपको? मतलब आप तो लेते रहते होंगे जी, पहले से साफ है आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीम है वो अब इस रिपोर्ट को तैयार कर रही है, लिहाजा सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग घाटों से कि दिल्ली के किन इलाकों में यमुना का पानी किस तरीके का है। लेकिन फिलहाल आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर पानी झागनुमा होता था, गंदा होता था, बदबूदार होता था और यमुना के पास आप खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन फिलहाल, हालांकि इसको स्वच्छ तो हम अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहना बंद हुआ है, लेकिन अभी भी क्योंकि सीवर और बाकी तमाम चीज़ों का जो यमुना में ड्रेन होना होता है वो अभी भी जारी है, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो पानी के झाग इकट्ठा हो जाते थे या जो पानी की बदबू होती थी, फिलहाल वो ख़त्म हुई है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि जो स्टाफ यहाँ पर पानी का सैंपल कलेक्ट कर रहा था, उन्होंने भी माना कि हाँ, पानी पहले से बेहतर हुआ है, यमुना का पानी थोड़ा स्वच्छ हुआ है जो कि पहले बहुत बदबूदार पोल्यूटेड रहता था। तो कुल मिलाकर के लॉकडाउन के दरमियान एक अच्छी खबर भी है, ये कह सकते हैं कि यमुना का पानी स्वच्छ हुआ है। और अभी क्योंकि लॉकडाउन में भी समय है, ख़त्म होने में समय है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये पूरा ख़त्म होगा शायद यमुना हमारे को और खूबसूरत स्वच्छ मिलेगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्तपंत के साथ मैं प्रीति पांडे।